आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो साक्षात भगवान शिव का रूप माना जाता है, और इस पौधे को अपने घर में रखने से बहुत ही ज्यादा लाभ और चमत्कारी प्रभाव आपके घर में पड़ते हैं। आपके घर पर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को इसके आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। लेकिन काफी लोगों को इस पौधे के बारे में नहीं पता होता है कि किस प्रकार से यह पौधा घर में रखना चाहिए, क्योंकि इस पौधे को रखने के कुछ नियम होते हैं। जब भी आप इस पौधे को रखते हैं तो किस प्रकार की चीजें आपको करनी चाहिए, इस बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, तभी इसके बहुत ज्यादा चमत्कारी लाभ आपके जीवन में आते हैं। दोस्तों, यह पौधा जो साक्षात भगवान शिव का रूप माना जाता है, यह पौधा होता है रुद्राक्ष का पौधा। रुद्राक्ष के बारे में काफी लोग जानते हैं, लेकिन इस पौधे के बारे में काफी कम लोग ही हैं जो जानते हैं, लेकिन यह पौधा साक्षात शिव का रूप होता है। दोस्तों, बहुत ही आसानी से यह मिल जाता है और बहुत ही आसानी से आप इसे अपने घर पर रख सकते हैं। किसी भी दिन किसी भी समय यह लाया जा सकता है और इसे घर पर रखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार का रुद्राक्ष अपने अंदर एक गजब की शक्ति लिए हुए होता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा गजब की शक्ति इस पौधे के अंदर होगी। जब भी आप इसे अपने घर में रखते हैं तो दोस्तों, आपको इसे ऐसे कहीं पर भी नहीं रखना है, आपको अपने घर के ईशान कोण में ही यह पौधा रखना है। और खास करके आप ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के पास इस पौधे को बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल एकांत जगह पर अकेले ही इस पौधे को रखना है। अगर आप चाहते है कि शिवलिंग, तो शिवलिंग भी इस पर रख सकते हैं। मिट्टी में शिवलिंग को रखकर रोजाना अगर उसी पर जल चढ़ाया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है। और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से पौधे को रखकर और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसे साक्षात भगवान शिव के दर्शन जरूर होते हैं, चाहे सपने में हो, चाहे मन में हो, किसी भी प्रकार से हो, उसे शिव का वरदान और साथ जरूर ही प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसे ही पौधा नहीं लाना है। जो भी आपका कार्य है, आपके जीवन में आपके मन में परेशानियां हैं, दुख है, उन सभी को दूर करने के लिए आपको यह पौधा अपने घर में लाना है। इस पौधे को रखकर आपको इस पौधे के सामने अपनी समस्याएं बोलनी है, अपनी मनोकामनाएं बोलनी है, और इस पौधे पर एक लाल धागा बांध देना है, और इसके बाद रोजाना सुबह उठकर इस पौधे पर जल चढ़ाना है, और शिवलिंग छोटा सा रखकर उस पर भी जल चढ़ाया जा सकता है। बस रोजाना इसी प्रकार करने से आपके जीवन में एक खास बदलाव आता है, बल्कि जो भी आपके जीवन में समस्याएं होती हैं, उन सभी से आपको मुक्ति प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह पौधा कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं होता है, बल्कि इस पौधे को नियम पूर्वक इसी प्रकार रोजाना जल चढ़ाते हुए मंत्रों का जाप इस पौधे के सामने किया जाए तो कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव ही हर मंत्र के गुरु हैं। अपनी समस्याएं इस पौधे के सामने बोलने से हर प्रकार का कार्य सिद्ध होता है। लेकिन सच्चे मन और सच्ची भक्ति से इस पौधे की देखभाल करने से अनेक प्रकार के लाभ आपके जीवन में जरूर ही आते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये पौधा आपके ऊपर आने वाली सभी बलाओं को, सभी समस्याओं को दूर करता है। दोस्तों, इस पौधे को घर में लाने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी आपके घर में आती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।